नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन फैकल्टी पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 32 पे, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें तो ये मूल अधिकार का समझ लीजिए कि ये जान है। अगर ये नहीं रहता तो मूल अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यह मूल अधिकार का संरक्षक है। यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है कि मूल अधिकार के संरक्षण के लिए 5 रीटें जारी करते हैं। हम लोग 5ों रीटों को काफ़ी डिटेल करेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं पहले संवैधानिक उपचारों के अधिकार पे। ठीक, आपका है ये 6वां मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक दोस्तों, यह अनुच्छेद 32। ठीक, ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो प्रभावित व्यक्ति का उसका कोई सगा संबंधी हो, चाहे खुद वह हो या कोई लोकहितकारी व्यक्ति हो, वह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाके मूल अधिकार के संरक्षण के लिए आवेदन दे सकता है या रिक्वेस्ट कर सकता है या अपील कर सकता है। ठीक, मौलिक अधिकार के संरक्षण के विशेष महत्व के कारण संविधान सभा के सबसे महानतम व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्हें मौलिक अधिकार का संविधान की आत्मा कहा है। इसे अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक, तो मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5-5 रिटें जारी करते हैं। ठीक, इसे ठीक है, तो आइए हम लोग अब बात करते हैं इसे जो है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को मौलिक अधिकार का संरक्षक कहा जाता है। इसे मौलिक अधिकार का संरक्षक कहा जाता है। ठीक, मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत HC सुप्रीम कोर्ट जो है कि 5 रीट जारी करता है। यही हाई कोर्ट की बात करें 6 रीट जारी करता है। यदि हम लोग बात करें संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संरक्षण के बारे में, तो हाई कोर्ट को जो है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्ति है। वह जो है कि सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा रीट जारी करता है। ठीक, डॉक्टर अंबेडकर जो है इसे अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है।
सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला यही है डॉक्टर अम्बेडकर का, कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ठीक, आइए हम लोग अब बात करते हैं, पांच रीटें हैं, पांच रीटों पर विस्तार से बात करते हैं, कौन कौन सी ऐसी रीटें हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं। देखिए, पांच रीटें जो है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी करते हैं, लेकिन छठवां जो है केवल हाई कोर्ट जारी करता है, वो है आपका इंजक्शन। इंजक्शन रिट जो है केवल हाई कोर्ट जारी करती है। अगर प्रश्न पूछता है कि इंजेक्शन रिट जो है कि कौन जारी करता है, तो हाई कोर्ट जारी करता है। इसके अलावा पांच रिट हैं जो दोनों जारी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आइए हम लोग बात करते हैं, प्रत्येक रिट पे जो है कि विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक, पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कार्पस। पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक, इसे हम लोग कहते हैं हैबियस HAPES, हैबियस कार्पस, CORPUS, हैबियस कार्पस। ठीक, ये दोनों नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में भी पूछ सकता है, हिंदी में पूछ सकता है कि हैबियस कार्पस का क्या मतलब होता है। तो वही बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करो। अर्थ, जितने भी पांच रीटें हैं, यदि आप इसका अर्थ समझ जाएंगे तो इसका भाव भी समझ जाएंगे। तो इसका अर्थ होता है आपका सशरीर उपस्थित करो, सशरीर उपस्थित करो। ठीक, सशरीर उपस्थित करो। देखिए, यह रिट चाहे निजी व्यक्ति हो चाहे लोक हितकारी व्यक्ति हो के विरुद्ध जारी किया जाता है। ठीक, यदि मान लीजिए कि कोई गिरफ्तार व्यक्ति है, अगर 24 घंटे के भीतर यदि प्रशासन उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करता है, तो उसके खिलाफ भी जारी किया जाता है कि उसको जो है कि आप हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। ठीक, प्रस्तुत होने के बाद हाई कोर्ट जो है कि उसके मामले की जांच करती है, यदि उचित कारण होता है तो उसको जेल में डाल देती है, नहीं तो उसको अगर कोई उचित कारण नहीं होने पर उसको छोड़ देती है, उसके मौलिक अधिकार का रक्षा करती है। ठीक, यदि मान लीजिए पहली बात कि यह रीट जो है चाहे निजी व्यक्ति हो निजी व्यक्ति और लोक अधिकार, कोई लोक अधिकारी व्यक्ति है के खिलाफ जारी होती है। ठीक, ये कब जारी होती है, जब कोई गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट के सामने
ना पेश किया गया हो। ठीक, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ठीक, इसके उदाहरण के रूप में हम आपको बता सकते हैं, जिसे एक दक्षिण भारत की फिल्म है जय भीम। जय भीम में तीन अपराधी होते हैं, राजा कन्नू, मूसा कट्टू और ईरा टप्पन। ये तीनों लोगों को पुलिस जो है कि झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। 24 घंटा बीत जाता है लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती है। तो एक वकील होता है चंद्रू नाम का, तो वो कोर्ट से अपील करता है कि इन तीनों लोगों को जो है कि पुलिस जो है कि कोर्ट के सामने पेश करे। लेकिन इन तीनों लोगों में से दो लोगों को पुलिस जो है कि लॉकअप में ही मार देती है जान सहित, और एक को जो है कि कहीं अदर जगह छिपा देती है। और ये आरोप लगाते हैं कि तीनों लोग भाग चुके हैं। तो बहुत जांच पड़ताल होती है, तो पता चलता है कि जो है कि दो लोगों को पुलिस ने हिरासत में ही मार डाला है, एक को जो है कि कहीं अदर जगह जो है शिफ्ट कर दिया है। तो उन तीनों लोगों को जो है कि मौलिक अधिकार का हनन हुआ था। तो इसके खिलाफ जो है कि पुलिस को सख्त कार्रवाई करते हुए उन लोगों को जो है कि निलंबित कर दिया जाता है। मतलब कि अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण के उदाहरण को आपको देखना है, अगर समझना है, तो आप जय भीम फिल्म को देख सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पूरी पिक्चर ही इस पे बनाई गई है जो हैबियस कॉर्पस पर आधारित है। ठीक, एकदम इसके अपवाद की बात करें, ठीक है दोस्तों, तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार में पहला रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये कब जारी किया जाता है? जब कोई व्यक्ति जो है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं होता है, तो उसके खिलाफ यह रिट जारी किया जाता है। और इसका अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करो। ठीक, इसका अपवाद है, अपवाद की अगर बात करें हम लोग, अपवाद आपका पहला इसमें है, जैसे अगर कोई व्यक्ति निवारण निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है, यदि कोई व्यक्ति जो है निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है, तो उसको ये अधिकार नहीं मिलता है। हम आपको बताए थे अनुच्छेद 22 में कि गिरफ्तारी दो प्रकार की होती है, एक होता है अपराध के पहले, एक होता है अपराध के बाद। जो अपराध के पहले गिरफ्तार किया जाता है उसी को निवारक निरोध कहा जाता है। ठीक, निवारक निवारक निरोध से गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं मिलता है। ठीक, पहला अपवाद हो गया। दूसरा अपवाद की बात करेंगे, न्यायालय द्वारा हिरासत में भेजे जाने पर। ठीक, तीसरा है आपका संसद या विधानमंडल, संसद या विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना। करने पर गिरफ्तार व्यक्ति। ठीक, यह है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण का अपवाद। बंदी अपत्यक्षीकरण का अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करो,
और फिर ऐसे व्यक्ति को मतलब कि रिट जारी किया जाता है जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, और यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं होता है तो ऐसे शासन प्रशासन के खिलाफ ये रिट जारी किया जाता है। ठीक, इसके 3 अपवाद है जिसे निवारक निरोध से गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार नहीं मिलता है। दूसरा, यदि न्यायालय द्वारा हिरासत में भेज दिया गया है तो उसको भी यह अधिकार नहीं दिया गया है। संसद विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना करने पर गिरफ्तार व्यक्ति को भी यह अधिकार नहीं मिलता है। ठीक, ये रहा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस कंप्लीट हुआ। आइए हम लोग अब बात करते हैं परमादेश। दूसरा है आपका रिट, परमादेश। इसे कहते हैं हम लोग मैंडिमस। मैंडिमस होता है MANDUS, इसको हम लोग इंग्लिश में मैंडिमस कहते हैं। ठीक, इसका अर्थ होता है प्रत्येक रीट का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। यदि अर्थ आप समझ जाएंगे तो इसके भाव को भी आप समझ जाएंगे। अर्थ होता है इसका, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, ठीक। किसके खिलाफ जारी होता है तो खिलाफ अगर बात करें तो खिलाफ अगर बात करें तो लोक पद का कोई अधिकारी है लोकपद का कोई अधिकारी है या कनिष्क न्यायालय है या सार्वजनिक दायित्व करने वाला व्यक्ति या संगठन। ठीक, अब इसमें मामला क्या है? मामला यह है जब कोई व्यक्ति अपने पद के कर्तव्य को करने से मना कर दे। यदि कोई व्यक्ति जिस कार्य के लिए चुना गया है यदि वह अपने कार्य को करने से मना कर दे तो उसके खिलाफ परमादेश जारी किया जाता है। कब? जब कोई पदाधिकारी अपने पद के कर्तव्य को करने से मना कर दे। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, ये ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जारी होता है जो कोई पदाधिकारी है जो अपने पद के कर्तव्य करने से मना कर दे या कोई बहाना बना दे तो उसके खिलाफ ये जारी होता है।
ठीक। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक, यदि उसको लाइसेंस चाहिए, अगर उसके पास सारी रिक्वायरमेंट है, इसके बाद भी उसको जो है कि कोई अधिकारी उसको लाइसेंस नहीं दे रहा है, तो वह सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकता है उस अधिकारी के खिलाफ कि हमारी जो है कि सारे रिक्वायरमेंट होने के बाद भी हमको लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। तो कोर्ट जो है कि उस व्यक्ति को या उस अधिकारी को परमादेश के माध्यम से आदेश देती है कि उस व्यक्ति की जो है कि सारे रिक्वायरमेंट पूरी होने के बावजूद भी क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो उसको सही ढंग से जांच करके उसको जो है कि लाइसेंस प्राप्त किया जाए। ठीक, ये होता है परमादेश। ठीक दोस्तों, बस इसका अर्थ आप समझेंगे तो इसका भाव भी समझ जाएंगे। अर्थ है इसका, हम आदेश देते हैं। आदेश का मतलब कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे पदाधिकारी है, जब अपने कर्तव्य को सही ढंग से नहीं करता है या नाकानी करता है या बहाना करता है, तो उसके खिलाफ यह रिट जारी किया जाता है। ठीक, परमादेश। आइए हम लोग बात करते हैं अब अपवाद का। अपवाद में अगर बात करें इसका अपवाद है कुछ, जैसे किसी व्यक्ति या इकाई के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति या इकाई के विरुद्ध नहीं, इसका मतलब है कि कोई भी जैसे प्राइवेट व्यक्ति है उसके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता, या तो कोई भी जो है कि कोई ऐसी संगठन ऐसा संस्था जो प्राइवेट है या गैर संवैधानिक है, तो उसके खिलाफ भी यह रिट जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक, बात करते हैं अगर जिसे राष्ट्रपति या राज्यपाल के विवेकाधीन कार्य के खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल, के विवेकाधीन कार्य के खिलाफ नहीं, जब संसद द्वारा कोई विधेयक पास करके, संसद यानी दोनों की बात करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा जब कोई विधेयक पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास तीन अधिकार होते हैं, तीनों अधिकार को हम लोग पॉकेट वीटो कहते हैं। पहला होता है कि उस विधेयक को राष्ट्रपति हस्ताक्षर करके अनुमति दे दे, या तो उसको पुनः विचार के लिए वापस कर दे, या तो उसको अपने पास ही रहने दे। तो इस तरह के विवेकाधीन कार्य के लिए यह परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग को परमादेश का मतलब। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। ठीक, अपवाद में यही है। अब आगे हम लोग बात करते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध उत्प्रेषण, ये दोनों बहुत कन्फ्यूजन वाला होता है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। आप लोग क्यूरियस हो जाइएगा और ध्यान से सुनिएगा इसको। प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये दोनों जो है कि वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। ठीक, आइए हम लोग पहले बात करते हैं, इसके बाद इसको अंतर को हम लोग समझेंगे। ठीक, तीसरा है आपका रिट। प्रतिषेध प्रतिषेध का होता है प्रोहिबिशन, प्रोहिविजन, प्रो प्रोहिबिजन प्रतिषेध का
इंग्लिश में कहते हैं प्रो ही विजन। ठीक, इसका अर्थ होता है कार्य को रोकना, अर्थ होता है कार्य को रोकना। ठीक, ये जारी कब, जारी कौन करता है, तो वरिष्ठ न्यायालय जो है अधीनस्थ न्यायालय को, ठीक। देखिए प्रतिषेध का मतलब होता है, अर्थ होता है कार्य को रोकना। ठीक, अब रोकना का मतलब यह है, जिसे मान लीजिए कोई अधीनस्थ न्यायालय है जिसमें कार्रवाई चल रही है, उसको रोकने के लिए प्रतिषेध जारी किया जाता है। प्रतिषेध यानी कार्य को रोकना, जो कार्य चल रहा है, जो हो रहा है, उसको रोकने के लिए यह प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है। ठीक, कौन करता है, तो वरिष्ठ न्यायालय, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कर सकता है, हाई कोर्ट जो है कि जिला न्यायालय को कर सकता है। ठीक, ये होता है आपका प्रतिषेध। जब मामला कब जारी किया जाता है, जब मामला न्यायालय में चल रहा होता है, चल रहा होता है, तो उसे रोकने के लिए यदि, ठीक, यदि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सुनवाई करता है, ठीक, ठीक दोस्तों, प्रतिषेध का मतलब होता है कार्य को रोकना। ये कब जारी किया जाता है, जिसे मान लीजिए कोई न्यायालय है और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सुनवाई कर रहा है, तो उसके खिलाफ यह जो है कि प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है। ठीक, कौन करता है, तो वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को करता है। यानी इसका बस एक ही बात ध्यान देने वाली है कि यह प्रतिषेध रिट जारी कब होता है, जब न्यायालय में कार्रवाई चल रही होती है या सुनवाई चल रही होती है, उसको रोकने के लिए यह प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है। ठीक दोस्तों, एक बार पुनः सुन लीजिए, यह रिट जब कब जारी किया जाता है, जब मामला चल रहा होता है, जब सुनवाई हो रही है, तो उसको रोकने के लिए प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है। ठीक, आइए हम लोग बात करते हैं उत्प्रेषण। दोनों को जब पढ़ लेंगे तो हम अंतर आपको बता देंगे, कभी नहीं भूलेगा। आइए चौथा देखते हैं, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सरस्योरी, सरस्योरी, C-A
सर सियोरी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सर सियोरी। ठीक, सर सियोरी का अर्थ होता है जानकारी देना या सूचना देना। अर्थ होता है इसका जानकारी देना या सूचना देना। ठीक, कौन जारी करता है? तो वरिष्ठ न्यायालय। वरिष्ठ न्यायालय जो है कि अधीनस्थ न्यायालय को। ठीक, ये रिट कब जारी किया जाता है? ये रिट कब जारी किया जाता है? तो यह रिट जो है जब कोई न्यायालय जो है कि फैसला दे दिया होता है तो उसको पलटने के लिए यह रिट जारी किया जाता है। इसके पहले अभी हम लोग देखे थे प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या था कि मामला चल रहा होता है तो उसको रोकने के लिए प्रतिषेध जारी किया जाता है। उत्प्रेषण का मतलब होता है कि जब फैसला आ जाता है, कोई अधीनस्थ न्यायालय जो है कि फैसला सुना दिया होता है तो उसको पलटने के लिए, उसको रद्द करने के लिए यह उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है। ठीक दोस्तों, तो इसको हम लोग लिखेंगे कब जारी किया जाता है? तो निर्णय आने के बाद, निर्णय आने के बाद निर्णय को पलटने के लिए। ठीक, जब कोई अधीनस्थ न्यायालय फैसला सुना देता है तो उसको पलटने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है। ठीक, जिसे मान लीजिए कि जब कोई न्यायालय जो है, कोई अधीनस्थ न्यायालय है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय दे देता है या कोई फैसला सुना देता है तो उसको पलटने के लिए यह रिट जारी किया जाता है। ठीक, जब न्यायालय अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर जाकर फैसला सुना देता है। ठीक, ये जो है दो रिट जो है बहुत कन्फ्यूजन करने वाला होता है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध हम बताए हैं आपको, जब मामला चल रहा होता है तो उसको रद्द करने के लिए प्रतिषेध। उत्प्रेषण कब जारी होता है? जब फैसला सुना दिया जाता है तब जारी होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को अंतर समझ में आया होगा। चलिए हम आपको अंतर बता देते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए ये दोनों रिट जो है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, यह रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के लिए है। ठीक, यह जो है कि कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारियों के बीच जारी नहीं किया जाता है। इसको हम नोट करके लिख लेते हैं, नोट कि बस मतलब ये दोनों जो है कि रिट केवल न्यायालय द्वारा ही जारी किया जाता है न्यायालय को। ठीक, ये दोनों रीट मतलब प्रतिषेध
प्रतिषेध और उत्प्रेषण केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध जारी किया जाता है। ठीक, यह कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है। ठीक, नोट में हम लोगों ने यही लिखा कि दो जो रिट है प्रतिषेध उत्प्रेषण केवल न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, यह कार्यपालिका और प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है। ठीक, आइए हम लोग अंतर की बात करते हैं, प्रतिषेध उत्प्रेषण में अंतर। एक तरफ लिखिएगा आप लोग प्रतिषेध और दूसरे तरफ उत्प्रेषण। ठीक, प्रतिषेध कब जारी किया जाता है? यह रिट कार्य के मध्य जारी किया जाता है। जब कार्रवाई चल रही होती है, ठीक, ये कब जारी किया जाता है? यह रिट कार्रवाई समाप्ति के बाद जारी की जाती है। ठीक, यह जो है कि न्यायिक त्रुटि को रोकने के लिए, दूसरा है न्यायिक त्रुटि को रोकने के लिए। न्यायिक त्रुटि को रोकने के लिए यह प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है। यह जो है कि त्रुटि को सुधारने के लिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य त्रुटि को सुधारने के लिए,
ठीक दोस्तों, देखिए प्रतिषेध और उत्प्रेषण में बस माइनर सा अंतर है। ये दोनों जो है कि रिट वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है, और अंतर की अगर हम बात करेंगे तो बस माइनर सा अंतर है कि प्रतिषेध जो है जब कार्रवाई चल रही होती है तो उसको रोकने के लिए, और उत्प्रेषण जब निगड़ा आ जाता है तो उसको रोकने के लिए। ये जो प्रतिषेध न्यायिक त्रुटि को रोकने के लिए, और ये जो है कि त्रुटि को सुधारने के लिए। उम्मीद है आप लोग को प्रतिषेध उत्प्रेषण समझ में आ गया होगा। ठीक ठीक दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं। अब लास्ट में है अधिकार पृच्छ। अधिकार पृच्छ पांचवा रीट है आपका। अधिकार पृच्छ ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्यों वारंटो। क्यों वारंटो, क्यों वारंटो इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं क्यों वारंटो। इसका अर्थ होता है किस अधिकार से। किस अधिकार से, ठीक इसका अर्थ होता है किस अधिकार से। ये कब जारी किया जाता है, जब कोई व्यक्ति पद को धारण कर लेता है। ठीक, जब कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी अपने पद को धारण कर लेता है और वह व्यक्ति उस पद की योग्यता नहीं रखता है, ठीक, तो उसको जो है कि पद से हटाने के लिए यह अधिकार पृच्छ जारी किया जाता है। कब कब किया जाता है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति ऐसे पद को धारण करता है जो उस पद के योग्यता को पूरा नहीं करता है, ठीक। तो न्यायालय उस व्यक्ति को पद से हटाने के लिए यह रिट जारी करता है। बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको कि बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो धोखे से पद ग्रहण कर लेते हैं या घूस देकर नौकरी पा जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हटाने के लिए अधिकार पृच्छ एक ऐसा रिट है जो उसको हटाने के लिए जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक। इस प्रकार पांच रीटें हैं, पांच रीटों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें था आपका बंदी प्रतिकरण, परमादेश, प्रतिषेध उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छ, ठीक। ये चार पांचों को हम लोगों ने बहुत कंप्लीट किया है, बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। आइए हम लोग बात करते हैं छठा जो है रिट हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, ठीक। अधिकार पृच्छ वही है कि मतलब कि कोई व्यक्ति धोखे से जो नौकरी पा जाता है या घूस देकर नौकरी पा जाता है, तो उसको पद को हटाने के लिए, उसको पद को जो है कि ख़त्म करने के लिए, उस व्यक्ति को वहाँ से हटाने के लिए यह रिट जारी किया जाता है, ठीक। छठा है आपका इंजक्शन।
यह रिट जो है हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, EHC द्वारा जारी किया जाता है। कब जारी किया जाता है? किसी व्यक्ति को अंतरिम राहत देने के लिए, कुल मिला के यही एक रिट है इंजंक्शन जो हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल बना देती है, अन्यथा हर मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है कि सर्वोपरि है हाई कोर्ट से। लेकिन मौलिक अधिकार के संरक्षण की बात करें तो इंजंक्शन ऐसा एक रिट है केवल हाई कोर्ट जारी करता है। ठीक, आइए हम लोग बात करते हैं अब मौलिक अधिकार का जो संरक्षण है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा बहुत ऐसे संवैधानिक संस्थाएं हैं या गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार का संरक्षण करती है। आइए हम लोग बात करते हैं उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट यानी SC या हाई कोर्ट HC के अतिरिक्त अनेक संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग का गठन किया जाता है। ठीक, जैसे बात करते हैं आप जो मौलिक अधिकार का संरक्षण करती है। ठीक, मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो करती ही करती है, इसके अलावा और कुछ ऐसे संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग है जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। जैसे बात करते हैं हम लोग, पहला है आपका अनुसूचित जाति आयोग, हो गया, अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया, ठीक, महिला आयोग हो गया, पिछड़ा आयोग हो गया,
पिछड़ा आयोग हो गया। पांचवा है आपका मानवाधिकार आयोग, ठीक। ये पांचों मिलकर, इसके अलावा अन्य भी हैं लेकिन ये इम्पॉर्टेंट हैं, तो व्यक्ति के मौलिक अधिकार का संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो करती ही करती है। इसके अलावा बात करेंगे तो अनुसूचित जाति आयोग आयोग हो गया, अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, पिछड़ा आयोग हो गया, मानवाधिकार आयोग हो गया, ये सब भी मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। अगर मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे हम लोग तो इसमें चार सदस्य होते हैं, इसमें चार सदस्य होते हैं, एक होता है एससी का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, यह अध्यक्ष होता है, ठीक। इसके बाद बात करेंगे तो एससी का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ठीक। इसके अलावा बात करेंगे तो दो सदस्य ऐसे होते हैं जो मानवाधिकार का के ज्ञाता होते हैं, ज्ञाता व्यक्ति, ठीक। ये चार सदस्य होते हैं मानवाधिकार आयोग में, कुल चार सदस्य होते हैं। इसमें एक होता है पहला एससी का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है जो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, दूसरा होता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, और दो सदस्य होते हैं जो मानवाधिकार आयोग के ज्ञाता होते हैं, ठीक। मानवाधिकार के उल्लंघन का शिकायत मिलने पर मानवाधिकार आयोग उसकी जांच करता है, और जांच करने के बाद न्यायालय से सिफारिश करता है कि आप इसको जो है कि संज्ञान में लेकर व्यक्ति के मौलिक अधिकार का आप संरक्षण करें, ठीक। यह है आपका मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ बातें जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार का संरक्षण करती है। आइए हम लोग बात करते हैं अब कुछ मौलिक अधिकार के अपवाद हैं, जैसे में मौलिक अधिकार के अपवाद की बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 है। यदि ये पूछा जाए कि मूल अधिकार का अपवाद कौन कौन सा अनुच्छेद है, तो आपका अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 33 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 33 यह कहता है यदि कोई व्यक्ति सैन्य बलों से
या खुफिया विभाग से या अन्वेषण विभाग, अन्वेषण विभाग यानी खोज विभाग, या गुप्तचर विभाग से जुड़ा है तो उसके मौलिक अधिकारों को संसद कानून बनाकर उल्लंघन कर सकती है। ठीक, ये अपवाद है आपका मौलिक अधिकार का। यदि कोई व्यक्ति सैन्य बलों से या खुफिया विभाग से या खोज विभाग से है तो उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन संसद कानून बनाकर कर सकती है। ठीक दोस्तों, ये मौलिक अधिकार का अपवाद है अनुच्छेद 33 कि यदि कोई व्यक्ति जिसे सैन्य बल में है, चाहे खुफिया विभाग में है, चाहे अन्वेषण विभाग में है, यदि उसमें कार्यरत है तो उसके मौलिक अधिकारों का जो है कि उल्लंघन किया जा सकता है संसद द्वारा कानून बनाकर। ठीक, अब बात करते हैं अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 में कहा दिया गया है यदि कोई ऐसा जगह है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ सैनिक या तो सैनिक क्षेत्र है या सैन्य कानून लागू है, सैन्य कानून यानी मार्शल लॉ लागू है, तो वहाँ पे मौलिक अधिकारों का जो है कि हनन किया जा सकता है या तो छीना जा सकता है। ठीक, अनुच्छेद 34 कहता है यदि कहीं पर सैनिक क्षेत्र या सैन्य कानून लागू हो तो वहाँ पे पर मौलिक अधिकार उल्लंघन किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, यह है आपका अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34। इसमें अपवाद है, अपवाद इसमें यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति यदि सैन्य बलों में है या खुफिया विभाग में है तो उसके मौलिक अधिकारों को हम लोग संसद जो है कि कानून बना के निलंबित कर सकती है। यदि कहीं पे सैनिक क्षेत्र या सैन्य कानून या धारा 144 लागू है तो वहाँ पर भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है। ठीक, एक लास्ट बचता है आपका अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 जो है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन या संशोधन करने की शक्ति जो है संसद को देता है। अनुच्छेद 35 जो है मौलिक अधिकारों में
परिवर्तन संबंधी अधिकार संसद को प्रदान करता है। ठीक दोस्तों, इस प्रकार हम लोग का मौलिक अधिकार पूरी तरह कंप्लीट होता है अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे 36 से 51 तक, जो डीपीएसपी यानी राज्य को नीति निर्देशक द्वारा उसको कहा जाता है। ठीक, इस प्रकार हम लोग का मौलिक अधिकार समाप्त हुआ। हम आपसे यही कहेंगे कि हमारे चैनल द एजुकेशन फैकल्टी को आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। निस्वार्थ भाव से ज्ञान, यही है द एजुकेशन फैकल्टी की पहचान। नमस्ते दोस्तों।